तैनात भारतीय सेना के सभी सैनिकों की ओर से देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हम सियाचिन के -60 डिग्री जैसे सर्द तापमान में भी आपकी रक्षा के लिए तत्पर हैं और सीमाओं की मजबूती से रक्षा कर रहे हैं। हम कठिन से कठिन परिस्थिति में भी निडर होकर देश की रक्षा के लिए संकल्पित है। मैं चसूल पर तैनात सैनिक सभी देशवासियों व उनके परिवारों को तहे दिल से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। दीपावली का एक पवित्र पर्व सभी देशवासियों के जीवन में सुख समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य लाए। हम भारतीय सेना के जवान संपूर्ण देशवासियों की सुरक्षा में सदैव तत्पर हैं। हम 24 घंटे कड़ी से कड़ी मुश्किलों का सामना करके देश की रक्षा के लिए रहते हैं और देशवासियों को आश्वासन देते हैं कि आप देश की प्रगति में आगे बढ़ें और हम महफूज रखेंगे। I am a soldier of Indian Army deployed at Chisholm. Wish all fellow countrymen and their family a happy Diwali. May this festival of light bring prosperity, happiness and good health to all. We, the soldiers of Indian Army, are committed to the safety of the nation. We are deployed under tough conditions but ready 24 hours and ensure the nation that we will safeguard the borders at all costs so that the nation can prosper and move ahead on the path of progress. जवानों की ओर से सभी देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं। मैं चुशूल पर तैनात सैनिक सभी देशवासियों व उनके परिवारों को तहे दिल से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। दीपावली का ये पवित्र पूर्व सभी देशवासियों के जीवन में सुख समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य लाए। हम भारतीय सेना के जवान संपूर्ण देशवासियों के सुरक्षा में सदैव तत्पर रहते हैं। हम 24 घंटे कड़ी से कड़ी मुश्किलों का सामना करके देश की रक्षा के लिए डटे रहते हैं और देशवासियों को आश्वासन देते हैं कि आप देश की प्रगति में आगे बढ़ें, हम सीमाओं को महफूज रखेंगे। सभी देशवासियों को लाइन ऑफ कंट्रोल सीमाओं पर तैनात सैनिकों की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं कि दीपावली का त्यौहार आपके घर में भरपूर खुशियां व लक्ष्मी गणेश जी का आशीर्वाद लाएगा। दीपावली हमारे देश का सबसे खास पर्व है। यहाँ लाइन ऑफ कंट्रोल पर अलग अलग धर्मों समुदायों के सैनिक हर त्यौहार को एकजुट होकर मनाते हैं। हम देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने का संदेश देते हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपको और आपके परिवार को भरपूर खुशियाँ मिले।